इस्लामिक कंट्री कतर च 8 भारतीय नेवी अफसरों नूं मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिन्हां च एक सिख अफसर भी शामिल है, जिन्हां दा नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के रहने वाले ने, उन्हां दे पिता आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं। तो नवतेज सिंह गिल देश के मशहूर डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। तो नवतेज सिंह गिल नूं बेस्ट कैडेट का राष्ट्रपति वालों अवार्ड भी मिल चुका है। नवतेज सिंह गिल नाल काम करने वाले अधिकारियों के अनुसार उन्होंने बोर्ड की सतह वाले समुद्री जहाज़ों से सेवावान निभाइया, एक नैविगेशन अते दिशा मार सन। सूत्रों अनुसार 20 से 22 साल देश च सेवा करन तो बाद उन्होंने जल्दी सेवा मुक्त होना चुनिया अते निजी खेतरां विच काम करना शुरू कर दिता। नवतेज सिंह गिल अपने होर 7 लोगों के नाल कतर की देहरा ग्लोबल टैक्नोलॉजीज अते कंसल्टेंसी सर्विसिज नामक एक निजी कंपनी च नौकरी करते सन, जो देश दियों हथियारबंदी सेनावां की सिखलाई अते होर सेवावां की पेशकश करती सी। हुण तुहानू दसदे हां 8 नेवी अफसरां नूं गिरफ्तार कीता किवें गया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबक 30 अगस्त 2022 नूं 8 रिटायर्ड नेवी अफसर अपने घरां च सो रहे सन। इसे दौरान कतर की इंटैलीजेंस टीम के अफसर घर पहुँचते हैं, तो सारयां नूं बिना कुछ दसे गिरफ्तार कर लै जांदे ने, जिन्हां च एक सिख अफसर नवतेज सिंह गिल भी शामिल हैं। दसिया भी जा रहा है कि 8 भारतीय रिटायर्ड अफसर ने अफसरों के नाल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाइडन लीडर कासिम अल अजमी नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, पर पिछले नवंबर च इन्हां नूं रिहा कर दिता गया। पर 22 मार्च 2023 नूं 8 भारतीय रिटायर्ड अफसरों खिलाफ कतर की अदालत आरोप तय कर दिए गए, तो 26 अक्तूबर 2022 नूं मौत की सज़ा सुना दी गई है, जिन्हां च एक सिख अफसर नवतेज सिंह गिल भी शामिल है। हुण देखना होगा कि भारत सरकार कतर सरकार नाल की गलबात करती है, तो 8 भारतीयों की मौत की सज़ा नूं रोकिया जाता है या फिर नहीं। तुहाडा की कुछ कहना है इस खबर पर, तुसी भी कमेंट करके जरूर दसो।